माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए संत कबीर। कबीरदास जी इस दोहे में समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान की चाह, धन, सब कुछ नष्ट हो जाता है, यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता है। मतलब ना माया रही ना ही हमारा धन रहा, लेकिन इंसान की चाह और भोग विलास की रुचि नहीं मरती है। इसलिए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा दिल कहता है कि यार ये काम मत कर, या दिमाग कहता है, फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए आज आपको अपने विल पावर को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा, जो है उसका पूरा आनंद लीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 26 नवंबर मंगलवार आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रिय लोगों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई स्पेशल डे है। और वैसे भी आज स्पेशल डे है क्योंकि देव पितृ कार्य भौमवती अमावस्या है। आज के दिन आप कार्यक्रम के अलावा कार्यक्रम के अंत में मनोकामना पूर्ति के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन क्या कर सकते हैं। साथ ही जो लोग हमें इस उम्मीद और विश्वास में कमेंट बॉक्स में समस्याएं भेजते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए चार लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए कि आज हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आज ग्रहों से बनने वाले शुभ वैश्य योग, उभयचर योग, शुभ वाशी के साथ संख योग मिलेगा, संख योग का साथ मिलेगा। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोगों को आज हंस योग का लाभ मिलेगा, ये लंबे समय तक मिलने वाला है। श्रापित दोष और चांडाल दोष आज रहेंगे, लेकिन आज चंद्रमा नीच राशि के रहेंगे। मन और मस्तिष्क के लॉर्ड जब नीच राशि हो जाए तो थोड़ा अशांति हर राशि वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी रहती है। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य या शुभ कार्य के लिए समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए, दोपहर 12 से 2, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 राहु काल के समय ये काम नहीं करें। राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका ज्यादातर ध्यान अनसुलझे मामलों को सुलझाने की तरफ रहेगा। आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा अगर आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 26 नवंबर को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या तकलीफ दे दे। अगर ऐसा होता है तो कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए दिन गुजारने की कोशिश करें। बिजनेस पर्सन आज सेल्स न होने, बिक्री प्रॉपर न होने या फिर पूरा ध्यान न दे पाने से आप थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन पेशेंस रखें, पुराने कस्टमर को पुनः याद करें। आज का टाइम में सोशल मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा अपने उन लोगों को याद करना जो आपसे बिछड़ चुके हैं, ऐसा एनालाइज आज आपको करना चाहिए। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज किसी टास्क को शॉर्टकट के थ्रू पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे और उसके बाद कुछ कमी रह जाने से आपको मलाल रहेगा। एम्प्लॉयज को आज किसी तरह के तनाव से परेशानी हो सकती है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ आज संबंधों में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। स्टूडेंट के आज अपने साथियों, सह कलाकारों, साथी खिलाड़ियों, हमारे जो भी सबॉर्डिनेट से या चिर प्रतिद्वंदी है वैसा व्यवहार वो लोग करेंगे, इसलिए अपनों पर भी पूरा भरोसा आज नहीं करें, उचित है पर कॉम्पिटिशन हेल्दी रखें। आज मेहनत ज्यादा होना और स्वास्थ्य का थोड़ा डिस्टर्ब होने से नींद और आलस्य की परेशानी हो सकती है। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का ध्यान जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल और बेहतर बॉन्डिंग बनाने की तरफ ध्यान रहेगा। फूड एंड बेवरेजेस, डेली नीड्स, कोई ऐसा काम जो सेल्स और वो भी कमीशन और परसेंटेज से संबंधित काम हो, ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे बिजनेस करते हैं उनका कस्टमर के साथ सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा हाई रहेगा, उससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप अपने मुंह मियां मिठू, मतलब खुद की तारीफों के पुल खुद ही बांधने में समय और छवि दोनों खराब करने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। सेल्फ प्रेजिंग गलत प्रैक्टिस है, इससे बचे। एम्प्लॉयज आज सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, दान पुण्य में आप सक्रिय रहेंगे। स्टूडेंट के आज अपने फील्ड में और खिलाड़ी और एंटरटेनमेंट फील्ड वाले लोगों को अपने क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट करते हुए, चीज़ों को परफेक्शन के साथ करते हुए और एक जिज्ञासु और जानने की प्रवृत्ति, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति वाले इंसान रहेंगे। आज का दिन आपको बहुत याद आएगा आगे आने वाले टाइम में कि आपने बहुत एंजॉय किया है। मौसमी बीमारी थोड़ी परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा।
लकी का लग रहे नंबर 8 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों का ध्यान आज विदेशी लैंग्वेज सीखना, किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज जो ज्ञान वृद्धि कर सकती है आपके फील्ड में, उस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी और उस पर ही ध्यान रहेगा। बिजनेस पर्सन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई काम जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग और काउंसलिंग का काम है, उनको आज बेफिक्र रहते हुए बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, बड़ा काम मिल सकता है, मंगल ही मंगल जीवन में होगा। ओवरऑल कॉन्फिडेंस आप पर भारी पड़ेगा, तो अपने काम में डिसिप्लिन रखें और ओवर कॉन्फिडेंस को हटाएं और अपने आप को सीनियर नहीं जूनियर बनाकर ही आज दिन गुजारिए। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप हार्ड वर्कर के तौर पर अपना लोहा मनवाने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। एम्प्लॉयज आज स्वयं को सफलता की ओर ले जाने के प्रयास में सफलता हासिल करते हुए देखेंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ व्यवहार अच्छा बनने से आपकी परेशानियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। स्टूडेंट के आज शांत और गंभीर रहते हुए केवल और केवल अपने काम में लगे रहने के मैं सलाह दे रहा हूँ, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। सेहत को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त या मशीनों से काम करते वक्त ध्यान रखना जरूरी है, चोट लगने की संभावना है। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों का ध्यान आज संतान सुख और संतान से सुख की प्राप्ति की तरफ रहेगा। कोचिंग क्लासेस, स्टेशनरी, कोई कागज का काम करने वाले ऐसे काम जो कि कमीशन या परसेंटेज से संबंधित काम है, होलसेल और रिटेल से संबंधित किसी प्रकार का काम है, यानी होलसेलर रिटेलर को दे रहे हैं, ऐसा कोई काम जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे बिजनेस पर्सन्स को आज अपने इंस्टीट्यूट में कुछ स्पेशल चीज़ टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है, कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, कोई अच्छा आइडिया मिल सकता है। ऐसे लोग जो दूसरे तरह के काम करते हैं उनको खुशी आज मिलेगी। अपनी फैकल्टी और मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जरूर दीजिएगा और आप अपने ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स, अपने कर्मचारियों को इसका क्रेडिट दें कि आपकी जो काम करने की क्षमता है वो उनकी वजह से बढ़ी है। स्टूडेंट को भी आज ज़रूर खुश होना चाहिए। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रुकावटें उन्हें दूर करने के बाद जैसे तैसे अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे। एम्प्लॉयज़ के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र एक बेहतर लाभदायक बदलाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आप किसी कार्य को पूरा होने से प्रशंसा के पात्र बनेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, सामने भले ना करें लेकिन पीठ पीछे तारीफ जरूर करेंगे। स्टूडेंट के आज एम्बिशियस होने की कोई लिमिट नहीं होगी, ऐसा लग रहा है महत्वाकांक्षी होने के साथ ही सही दिशा पकड़ लिया आपने और कर्म भी बड़ी अच्छी तेजी से आने वाले टाइम में कर चुके हैं, करना चाहते हैं, इसका संकल्प लेकर तेज और बल दोनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कान और दांतों में दर्द परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ब्लू, नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों का ध्यान आज अपनी माँ के स्वास्थ्य, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके दिन की शुरुआत करने की तरफ ध्यान रहेगा। आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा अगर आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 26 नवंबर को चंद्रमा आपके चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या तकलीफ दे दे। अगर ऐसा होता है तो कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए दिन गुजारिए। नया रिक्रूटमेंट या फिर ऐसा कोई काम जो आप लेबर का काम करते हो, रिक्रूटमेंट का काम करते हो, बिजनेस ऐसा है जो लोगों को रोजगार देने का काम करता है, ऐसा कोई बिजनेस जो कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडर बनने का काम करता है, ऐसे लोगों को आज कैंडिडेट कम होने, कैंडिडेट से तकलीफ होने से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट में बिजनेस करे, गाड़ी है, ट्रक भी खड़ी है पर ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कुछ परेशानी आ सकती है। आपको अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी को शहर और देश की बड़ी कंपनीज में आगे बढ़ाने का जो सपना आपने ले रखा है लेकिन अपनी टीम खड़ी करना भूल चुके हैं, जिससे आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि टीम कोई 500 लोगों की हो, 5 लोगों की टीम भी 500 लोगों पर भारी पड़ सकती है, इसी में आपका फायदा रहेगा। साथ ही इसकी मार्केटिंग पर भी जोर दीजिए। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपका कहीं भी काम में पूरा ध्यान और मन नहीं लगेगा, एकाग्र होने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन एम्प्लॉयज कार्य की व्यस्तता के कारण फैमिली के साथ समय स्पेंड करने के जो वादा कर चुके हैं वो वादा आप पूरा नहीं निभा पाएंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आ रही हर परिस्थिति में संयम और धीरज, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और धीरज रखने की कोशिश करें। स्टूडेंट को आज तरक्की का एक इंट्यूशन यानी पूर्वाभास मिलने वाला है, ये अंतर्दृष्टि अंतर प्रेरणा कभी कभी सत्य नहीं बल्कि ज्यादातर समय सत्य होती है। जैसा
आप करेंगे वैसा ही आपका मन होगा, मस्तिष्क होगा, आपके कर्म होंगे, आपकी जैसी कोशिश होंगी वैसा ही आपको लाभ मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम की अब बातें नहीं करें, अब उसे ज्वाइन करें। लकी कलर भैरू नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों का ध्यान छोटे भाई या बहनों की तरफ रहेगा। होम बेस्ड कुकिंग क्लासेस, ऐसा काम जो फूड एंड बेवरेजेस से संबंधित काम है, वुमेन्स जो काम करती, चाहे वो कढ़ाई हो, बुनाई हो, डिजाइनिंग हो, आर्किटेक्चर हो, या किसी भी प्रकार का क्रिएटिविटी का काम करना, ऐसे लोगों को अपने ही लोगों से एनकरेज्ड फील करने का मौका मिलेगा। ये तो ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन भी बहुत होता है और लोगों में आपकी इज्जत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप बहुत ही स्मार्टली अपने टास्क को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। एम्प्लॉयज को कुछ कठिन परिस्थितियां, जो विषम परिस्थितियां होती है, जो अगेंस्ट होती है हमारी चीजें, उनका सामना करना आपको पड़ सकता है, लेकिन आप उसमें से जीत जाएंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी बढ़ सकती है, पर आप अपनी सूझबूझ से उसे कम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट को आज सहयोगी भावना से ओतप्रोत रहने के संकेत मिल रहे हैं। खुद से अधिक अपने साथियों को आप ज्यादा तवज्जो दें, उन्हें ज्यादा इज्जत देने की कोशिश करें, आओ भगत करने की कोशिश करें। आज का दिन आपको एक साफ दिल, नेक दिल और ऐसा इंसान जो लोगों की मददगार हो प्रूव करना है। पेट दर्द या कमर दर्द की समस्या गैस एसिडिटी कब्ज और जलन की वजह से होगी। आपके कार्य में सुधार करने के साथ साथ आपको अपनी सेहत में भी सुधार करना चाहिए। लकी कलर रेड नंबर 9 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। तुला राशि वाले लोगों का ध्यान धन को और बेहतर निवेश करना, धन को जो निवेश कर रखा है उसकी समीक्षा करना कि मैंने जो पैसा पहले लगाया था उसका आज मेरा क्या हुआ है, जहां से पैसा आना है उसे प्राप्त करना है, खर्चों को कंट्रोल करना ताकि कर्ज चुका सकें, इस पर विचार रहेगा। मनोबल और ऐसा काम जो कि संचार का है, कम्युनिकेशन का है, बहुत सारे ऐसे लोग जो मोबाइल सर्विसेज का काम करते हैं, कम्युनिकेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी से मिलने वाले कम मार्जिन से भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी जॉब चेंज होने वाली है और आपको लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को टेक्निकली और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। संतोष और धीरज धैर्य से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपकी अपने टास्क से अलग किसी काम में रुचि रह सकती है। एम्प्लॉयज आज यदि कुछ नया करना ही चाहते हैं तो पहले अच्छे से उस कार्य के बारे में जानें, उसके पश्चात ही उस कार्य को करें। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सेहत और एक दूसरे की भावनाओं को बात करते हुए किसी और के टॉपिक पर झगड़ा करते हुए भी नजर आ सकते हैं, इसलिए किसी और के टॉपिक पर, किसी और की भावनाओं, किसी और की बातें, सेहत को लेकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के आज इमेजिनेशन जो होता है, आप कल्पना शक्ति है वो ज़्यादा रहेगी, कुछ भी इमेजिन करने में आप माहिर हैं, लेकिन हो सकता है आज आपका टाइम वेस्ट हो जाए और कर्म पूरा ना कर पाएं और ख्याली पुलाव या मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए ही रह जाएं। हितकर ये रहेगा कि आप अपने काम को पहले पूरा करें, उसके बाद जरूर सपना देखें। स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, मैं कहूँगा कि चिंतन करिए। लकी कलर पिंक नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों का ध्यान अपने कॉमन सेंस विवेक की तरफ ध्यान रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन आज कस्टमर को कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब रह सकते हैं। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप अपने अच्छे काम से जूनियर्स और सीनियर्स सभी को लगभग इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे। एम्प्लॉयज को निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोचना होगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर आपके भीतर आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार आ सकते हैं। स्टूडेंट के आज आर्टिस्ट और एक पैशन घूम रहा है, अंदर एक अच्छा सा एक्टर घूम रहा है, अंदर एक अच्छा सा सिंगर घूम रहा है, लेकिन आप उधेड़ बुन की स्थिति में हैं कि पढ़ाई करूं या अपने फैशन और पैशन को जिंदा रखो, दोनों करिए, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी करिए। आज बहुत ही पंक्चुअल रहेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने आप को बिजी रखेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। एलर्जी और स्पेशली स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 5 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। धनु राशि वाले लोगों का ध्यान आज यात्रा, स्पेशली विदेश यात्रा, या तो आज करने मौका मिलेगा या बहुत टाइम बाद आपको कोई यात्रा करनी, उसकी रूपरेखा एक बढ़िया परफेक्शन के साथ योजना बन सकती है।
आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा अगर आपने मेरा मंत्री राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 26 नवंबर को चंद्रमा आपके बारहवें रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या कोई तकलीफ देते। अगर ऐसा होता है तो कूल और रिलैक्समेंट में रहते हुए दिन गुजारने की कोशिश करिए। मैरिज ब्यूरो, ऐसे बिजनेस पर्सन जो कि शादी ब्याह या कोई इस प्रकार की इवेंट के लिए मार्केटिंग करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, उनका आज कुछ काम डिस्टर्ब या डिले होने या परेशान या वर्कर से परेशान होने से थोड़ा मॉरल डाउन हो जाएगा। पेशेंस रखोगे वापस बूस्टअप हो जाएगा। आपको अपने बॉयज़ और गर्ल्स, अपने लोगों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक डेटाबेस तैयार करें और CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट तैयार करें, नहीं तो आगे इस काम को कंटिन्यू करने में आपको दिक्कत आएगी। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपके काम करने के रवैये की कड़ी आलोचना कोई करेगा, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा कैरेक्टर का सर्टिफिकेट कोई और बांट सकता है, मैं खुद अपने आप को सर्टिफिकेट दूंगा। अपनी जिम्मेदारी जरा अच्छे से निभाइए, एम्प्लॉयज पर काम का बोझ बढ़ सकता है, इस कारण आप हल्के से मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप चिंता छोड़कर चिंतन करें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज शांति से आसपास की गतिविधियों को देखते रहें, निरीक्षण करें, कोई कटाक्ष कोई कमेंट नहीं करें। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के आज आपके अपने काम में शायद किसी और के प्रति उदासीनता रहे, किसी और को लेकर जलन भी पैदा हो सकती है। नम्र और मिलनसार होना, आपको अपने काम पर ध्यान देने का गुण होना आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आज का दिन धैर्य और विनम्र रहेंगे तो शाम बहुत शानदार गुजर सकती है। कहीं भी किसी से बातचीत करते समय अपने शब्दों पर जरूर कंट्रोल करें, अन्यथा तनाव होना तय है। लकी कलर की अगर हम बात करें तो गोल्डन नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मकर राशि वाले लोगों का ध्यान आज अपनी उम्र से बड़ी किसी महिला की तरफ विशेष विचार करने का रहेगा, स्पेशली बहन की तरफ। मेडिकल लाइन, पैथोलॉजी लैब, स्पेशली ऐसे लोग जो मेडिसिन और मेडिकल या फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे लोग जो सेहत से संबंधित बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, उनसे जुड़े बिजनेस पर्सन्स को आज अपने काम में बिजी रहते हुए थकावट थोड़ा महसूस करेंगे, लेकिन आज आप ये ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, आगे काम बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। और चारों ओर सारी जगह ध्यान गड़ाइए। कुछ ऐसे आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ये नहीं चाहते कि आपका हॉस्पिटल, आपका क्लिनिक, आपके पैथोलॉजी लैब ढंग से चले। वो कुछ ऐसे अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती किसी को प्रोवोक करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपका दुश्मन भी आपके ऑफिस में किसी को अपॉइंट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। थकान स्वाभाविक है, पर काम में बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप अपने काम को समय से पहले ही पूरा करने की फिराक में रहेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है कि आप आधी छुट्टी ले सकते हैं, काम से जल्दी ऑफिस जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। आज के दिन का भरपूर लाभ जरूर उठाइए। एम्प्लॉयज के व्यवहार और भाषा शैली से सीनियर्स और आपके सबॉर्डिनेट्स बहुत प्रभावित होंगे। आपके कार्य में सुधार देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा और ऑफिस में भी हमारी मान प्रतिष्ठा और लोगों के बीच में हमारा एक रवैया, हमारी एक जो इमेज है वो बेहतर दिखने के साथ साथ आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। स्टूडेंट के आज परसेप्टिव रहते हुए आप काम करने के संकेत मिल रहे, ये तो बढ़िया है। अपने ज्ञान के प्रयोग का अनुभव करने से खुद की तैयारी का ठीक ठाक पता लगना बहुत जरूरी है। अपने को फिट रखने के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम की बातें अब न करें, अब काम आज से शुरू करें। लकी कलर ब्राउन नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों का ध्यान अपने पिता के आदर्शों की तरफ रहेगा। पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें। उन्होंने जो शब्द बोले थे, उन्होंने जो एक सपना देखा था अपने परिवार का या देख रहे हैं, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम बच्चों की ही तो है। बिजनेस पर्सन्स का आज का दिन अचीवमेंट से भरा रहेगा। काम के प्रति ईमानदार, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हम्बल रहने का इनाम आज आपको मिल सकता है। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज किसी काम में आपके लिए किसी की ओपिनियन अहम साबित हो सकती है। एम्प्लॉयज के मन में आज कार्य को लेकर आत्मविश्वास डगमगाता हुआ दिखेगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप से वार्तालाप करते समय आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट नजर आ सकती है, ध्यान रखें, इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अतः सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से जिए। स्टूडेंट के आज खुद से ही ओनेस्ट नहीं रहने, मुगालते में रहने, किसी और को हमने कह दिया कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और हम भी इसी को मान रहे हैं, जबकि पढ़ाई हमने अच्छी नहीं की, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। उसके साथ ही काम के वातावरण को बेहतर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कला का प्रदर्शन करते हुए खेलना चाहिए और खेलते हुए कला का प्रदर्शन करना चाहिए। आप अपने आप को
आज किसी एक चीज में डालने की कोशिश न करें, बल्कि मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं और साथ में एंटरटेनमेंट जरूरी है, जिससे मानसिक तनाव कम हो सके। डाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर क्रीम नंबर 8 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मीन राशि वाले लोगों का ध्यान आज ज्ञान को बढ़ाने और बढ़े हुए ज्ञान को लाभ में परिवर्तित करने की तरफ ध्यान रहेगा। हॉबी क्लासेस, ऐसे बिजनेस पर्सन्स जो फैशन और पैशन का काम करते हैं, आज का दिन परफेक्ट बीत सकेगा। कॉन्फिडेंस हाई रहने से अच्छा कर सकेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी पब्लिसिटी करवाएगी माउथ टू माउथ। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपके ज्यादा से ज्यादा नया सीखने के संकेत मिल रहे हैं। एम्प्लॉयज आज अपनी भाषा पर संयम रखें, अब शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यही विवाद का कारण बनेगा और विवाद आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपकी किसी बात और किसी आपके किसी निर्णय से सहमत होंगे। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने अपने काम में बहुत बेहतर करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन वो कर्म पूरे झील से नहीं कर पाने से थोड़े डिस्टर्ब रहने के संकेत हैं। धैर्य रखोगे, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। डाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है गलत खान पान की वजह से। लकी कलर सिल्वर नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। अब आइए सभी प्रिय दर्शकों को वो खास उपाय बताता हूं जो आज मंगलवार को मंगल ही मंगल कर सकता है और मनोकामना को पूर्ति की तरफ आपको आगे बढ़ा सकता है। आज आप हनुमान जी को प्रसन्न करें, सबसे पहले आज शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला, गुलाब की माला पर थोड़ा सा गुलाब जल और उस पर थोड़ा सा केसर हल्का सा छिड़काव कर दीजिए केसर के जल का, और वो हनुमान जी को पहनाइए। हनुमान जी को इस तरीके से पहनाएं जैसे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह करते समय कितने दिल से इंसान अपनी होने वाली पत्नी को और पत्नी अपने होने वाले पति को पहनाते हैं। आजकल आपने लोगों को माला गुलदस्ता फूल देते हुए देखा होगा कि वो जिसको गुलदस्ता दे रहे हैं उसको तो वो कभी देखते नहीं हैं, वो ऐसे फोटोग्राफर को देखते हैं। आप गुलदस्ता फोटोग्राफर को दे रहे हैं या अपने मित्र को दे रहे हैं? तो आपको आज हनुमान जी की आंखों में आंखें मिलाते हुए, बिल्कुल अपना बड़ा भाई, अपने पिता, अपने सर्वस्व सब कुछ समझते हुए बड़े अच्छे ढंग से उसको माला पहन उनको माला पहनाएं, और साथ में एक अच्छा सा प्रसाद जो अपनी पत्नी, माँ, बेटी, बहन, किसी का बादशाह बना हुआ हो वो चढ़ाएं, और उसके बाद वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना जो भी है वो हनुमान जी को आप कहते हैं। फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। अब मैं उन लोगों को अपना स्केड्यूल बता रहा हूं जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मैं 29 नवंबर को दिल्ली, 30 नवंबर को हैदराबाद, 1 दिसंबर को बेंगलुरु, 5 दिसंबर दिल्ली, 6 दिसंबर भुवनेश्वर उड़ीसा, 7 दिसंबर कोलकाता, 8 दिसंबर जमशेदपुर में रहूंगा। फिर 13, 14, 15 तारीख को सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद रहूंगा। वहां से लौटने के बाद 20 दिसंबर मुंबई, 21 दिसंबर पुणे और 22 दिसंबर को नासिक में रहूंगा। उसके बाद मैं भारत से बाहर चला जाऊंगा इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन की यात्रा पर, जिसमें 30, 31 दिसंबर, 9 और 10 जनवरी को मैं लंदन, इंग्लैंड में रहूंगा। 1 और 2 जनवरी को नीस, फ्रांस में, 3 और 4 जनवरी को केन्स, फ्रांस में, और 5 से 8 जनवरी को सेंटा क्रूज, टेनेरिफ आइलैंड, स्पेन में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से गुजारिश है, अगर आप ज्योतिष और आध्यात्म की किसी मासिक पत्रिका को पढ़ने की तलाश में हैं तो वो ये मासिक पत्रिका भी हो सकती है, और बहुत सारी मासिक पत्रिका हैं, लेकिन हम इसे ही प्रकाशित और प्रसारित करते हैं, ग्रहों का खेल, जिसके सदस्य बनकर आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो इस पर फैसला जल्द लीजिए। लाइक, डिसलाइक और कमेंट्स शेयर करना यह आपका अधिकार है, जिस पर आप जरूर अमल करें। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ईश्वर आपकी हर पल मदद करे, ईश्वर आपका साथ दे, इसी विश्वास, उम्मीद और प्रार्थना के साथ मैं आप सभी किसे विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।